हमने देख लिया था डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल की। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और ये वाइड होता है, हर जगह हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो नॉट अप्लीकेबल होती है वाइड, बट वेरियांस को हम डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। और ये कॉस्टिंग क्या होती है, वाइड तो होती है लेकिन वेरियांस को हम ज़्यादा डिटेल्स में एनालिसिस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वाइड क्या होता है, एरिया वाइड होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डिटेल्स से हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। अगर इसके फायदे की बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, तो इफेक्टिव होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, प्लान करने में हेल्प करता है, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, प्राइस को फिक्स करता है और वेस्ट को बचाता है। इसकी कमियां क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है जॉब ऑर्डर के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन करती है, और मोस्ट ऑफ बिजनेस जो होते हैं नॉट एबल टू टेक अपडेट नहीं हो पाते हैं। और ये अगर मान लो स्टैंडर्ड गलत हो गया तो रिजल्ट भी गलत आएगा, छोटी फर्म ये अफोर्ड नहीं कर पाती है। अगला टॉपिक आप